श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा किला श्री लोहगढ़ साहिब पातशाही छेवीं का इतिहास। मीरी पीरी के मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी उपरांत गुरता गद्दी ते विराजमान हो के श्री अकाल तख्त साहब की रचना की ते सिखां नूं शास्त्रधारी होण दे हुक्मनामे जारी किए। शहर की रक्षा लई इह किला तैयार करवाया गया, जिसका नाम श्री लोहगढ़ साहिब रखा गया। सन 1629 ईस्वी नूं इस किले तो श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बाद दे झगड़े नूं लै के चढ़ाई करके आए बादशाह शाहजहां दे सेनापति मुखलस खान नाल लक्कड़ दियां तोपां चला के डट के मुकाबला किया ते उस नूं मार के पहली जंग फतेह की। हर साल 25 जेठ नूं जित दी खुशी विच फतेह दिवस मनाया जाता है। गुरुद्वारा साहिब जी दे अंदर काट दी तोप अज भी मौजूद है, जिस दे दर्शन करने लई बहुत दूर दूर संगतां आंदियां हन। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जेकर तुहानूं ये वीडियो चंगी लगी तां लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो ते इस चैनल नूं सबसक्राइब करियो ताकि अगे तो भी तुहानूं होर वधिया वीडियो तुहाडे नाल सांझा कर सकीए।